बूंदी जिले के हिंडोली थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को 250 ग्राम अफीम व 190 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये कार्रवाई हिंडोली बाईपास पर नाकेबंदी के दौरान थाना प्रभारी मुकेश मीणा के नेतृत्व में की गई। नाकेबंदी के दौरान बूंदी की ओर से आ रही मोटरसाइकिल को रोका गया, जो तेजी से घुमाकर भागने लगा, जिस पर टीम ने दबोच लिया। वाहन को चेक करने पर अवैध मादक पदार्थ अफीम व 190 ग्राम गांजा मिला, जिसे बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने मांगीलाल पुत्र केला निवासी बोरवा जिला चित्तौड़गढ़ के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जे न्यूज के लिए बूंदी से हनुमानगौड़ की रिपोर्ट।